अब मैं माननीय मंत्री जी से गुजारिश करूंगी, सर आप हम सबको संबोधित करें। कल 15 अगस्त को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने भारत की आने वाले सदियों की पूर्ण रूपरेखा देश की जनता की समक्ष रखी। सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबके प्रयास के आधार पर जो संकल्प हर भारतवासी ने लिया है, 140 करोड़ हम भारतवासियों ने लिया है कि ये अमृतकाल से शताब्दी काल के सफर पर आज के दिन से जब हम उस मार्ग को प्रशस्त कर रहे हैं तो भारत को एक विश्व गुरु के रूप में स्थापित करने का एक संकल्प हम लोग लेते हैं और उसी संकल्प में हम सबका योगदान होना चाहिए। भारत की पृष्ठभूमि में ग्वालियर का सदैव एक महत्वपूर्ण योगदान इतिहास के स्वरूप में रहा है और मैं मानता हूं कि बदलते हुए भारत का एक महत्वपूर्ण अंग एक बदलता हुआ ग्वालियर भी है। मैं धन्यवाद अर्पित करना चाहता हूं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को, मैं धन्यवाद अर्पित करना चाहता हूं मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी को और हम सब लोग, चाहे नरेंद्र सिंह जी हैं चाहे शेजवलकर साहब हैं, हम सब लोग साथ में मिलकर ग्वालियर को दोबारा वो प्राथमिक स्थान देने के लिए पूर्ण रूप से संकल्पित हैं। आज के दिवस पर मैं यही कामना करता हूं और यही आशा करता हूं कि उस पटल तक हम ग्वालियर को शीघ्र ही शीघ्र पहुंचाएं और प्रधानमंत्री जी का जो संकल्प कल उन्होंने हम सब से दिलवाया है उस संकल्प के प्रति पूर्ण निष्ठा के साथ आने वाले इस अगले 20-25 सालों में हम भारत को एक नई श्रृंखला में स्थापित करने के लिए ये संकल्प लेकर उसी निष्ठा के साथ हम लोग कार्य करें। हमारे प्रस्तुतिकरणता के लिए मैं दिल के गहराइयों से बधाई देना चाहता हूं और आप सब लोगों को ढेर सारी शुभकामनाएं अर्पित करना चाहता हूं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।